निगम जी, आज हम सिक्स क्लास का थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चित्राल वैली यानी वादी चित्राल। तो शुरू करते हैं। डियर निमरा, प्यारी निमरा, अस्सलाम वालेकुम। इट फील्स, ऐसा महसूस होता है, लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सा यू लास्ट, ऐसा महसूस होता है तुमसे मिले बहुत अरसा हो गया। आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज एगो, मैंने चंद दिनों पहले आपका ख़त वसूल किया। यू वॉन्ट टू नो, आप जानना चाहती हो, अबाउट माई समर वेकेशन, मेरी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में, आप मेरी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जानना चाहती हो। यू नो, आप जानती हो, माई समर हैज़ बीन ग्रेट, ये मेरी गर्मियाँ बहुत अच्छी रही हैं। आई स्पेंट, स्पेंट सेकेंड फॉर्म है तो गुजारी। आई स्पेंट अ मंथ इन चित्राल वैली, मैंने महीना वादी चित्राल में गुजारा। आई नो, मैं जानती हूँ, यू आर फॉन्ड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, फॉन्ड ऑफ कहते हैं शौकीन, मैं जानती हूँ कि तुम कुदरती खूबसूरती की शौकीन हो। देयर फॉर, इसलिए, आई एम राइटिंग यू अ डिटेल लेटर, मैं तुम्हें एक तफसीलन ख़त लिख रही हूँ या तफसील से ख़त लिख रही हूँ। टू टेल यू, तुम्हें बताने के लिए, अबाउट दैट प्लेस एंड पीपल, उस जगह और लोगों के बारे में बताने के लिए। यू वुड लव इट, तुम्हें उससे मोहब्बत हो जाएगी। चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वैली इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, वादी चित्राल पाकिस्तान के शुमाल में खूबसूरत वादियों में से एक है। इट इज़ अ पीसफुल प्लेस, ये एक पुरअमन जगह है। इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसकी कुदरती खूबसूरती, इस चार्मिंग दिलकश है फॉर द विजिटर, सयाहों के लिए, इसकी कुदरती खूबसूरती सयाहों के लिए दिलकश है। इट इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड, थिकली कहते हैं बहुत ज़्यादा, पॉपुलेटेड गुंजान आबाद, ये ज़्यादा गुंजान आबाद नहीं है। द कल्चर, कल्चर कहते हैं सकाफत को, एंड ट्रेडिशन रिवायत, द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश पीपल, कैलाश के लोगों की सकाफत और रिवायात इज़ द मेन अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा पुरकशिश हैं फॉर द टूरिस्ट, सयाहों के लिए, इन चित्राल वैली वादी चित्राल में, वादी चित्राल में सयाहों के लिए कैलाश के लोगों की सकाफत और रिवायात अहम कशिश होते हैं। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, और बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। दे लिव इन सिंपल हाउसेस, और सादा घरों में रहते हैं, मेड ऑफ स्टोन एंड मर्ड, जो पत्थरों और गारा से बने होते हैं। तो उसके हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ये है रिसीव्ड, रिसीव मैंने वसूल किया, वेकेशन छुट्टियाँ, स्पेंट गुजारा, वैली वादी, नेचुरल कुदरती, डिटेल्ड तफसीलन या तफसील से, चार्मिंग दिलकश, थिकली ज़्यादा, पॉपुलेटेड गुंजान आबाद आबादी वाला, कल्चर सकाफत, ट्रेडिशन रिवायात। तो ये था आज का टॉपिक, और होमवर्क में आप सब ने जो है वो एक लेटर है, फर्स्ट लेटर, लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी, ये आपने लिखना है और सैटरडे को स्कूल में सबमिट कराना। थैंक यू।